नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। दिसंबर का महीना और गुलाबी सर्द, ये मौसम पिकनिक का भी कहलाता है। ऐसे में इंसान तो इंसान, जानवर भी भ्रमण पे निकल के मूड में आ जाते हैं। ऐसी तस्वीर सरायकेला में नजर आई, जहां चांडिल डैम नौका बिहार के परिसर में जब जंगली हाथी पहुंचा तो अचानक गजराज के पहुंचते ही कई सैलानियों में डर देखा गया और वे भागने लगे। वही इन्हीं के बीच कई लोगों ने हाथी को साथी बनाते हुए फोटो और सेल्फी भी ली। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से चांडिल डैम के आसपास के क्षेत्रों में हाथी घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी संख्या में सैलानी चांडिल डैम में घूमने आते हैं। चांडिल डैम झारखंड का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। अपना ऑफिस में बैठे हो, गजराज घूम रहे, जंगल में फैक्ट्रियां बढ़ गई, नदी में डैम बन गए हैं, टूरिस्ट प्लेस बन गए हैं, तो हाथी जाएंगे कहाँ? तो हाथी भी डैम में घूमने चले आए हैं। अभी कितने हाथी की संख्या में है? इधर तो एक ही हाथी घूम रहे हैं अभी, आज कुछ दिनों से, महीने भर से। वन विभाग कोई सुध ली हाथी किस तरफ गया है उसको? अभी तक तो सुझा ही नहीं, शायद सूचना होना चाहिए उन लोगों को। चांडिल डैम में अभी हाथी देखने गया है, हाथी निकला भी है वहीं पे। कुछ पहले हाथी इसी रास्ता में उधर जंगल तरफ घुसा था, और यही वाला हाथी रोड में थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, गिर गया था। एक तो आंध्रा गाड़ी में टक्कर लगा था, इसका दांत थोड़ा दूर। अपना ऑफिस में बैठे हो, गजराज घूम रहे, जंगल में फैक्ट्रियां बढ़ गई, नदी में डैम बन गए हैं, टूरिस्ट प्लेस बन गए हैं, तो हाथी जाएंगे कहाँ? तो हाथी भी डैम में घूमने चले आए हैं। अभी कितने हाथी की संख्या में है? इधर तो एक ही हाथी घूम रहे हैं अभी, आज कुछ दिनों से, महीने भर से। वन विभाग कोई सुध ली हाथी किस तरफ गया है उसको? अभी तक तो सुझा ही नहीं, शायद सूचना होना चाहिए उन लोगों को। चांडिल डैम में अभी हाथी देखने गया है, हाथी निकला भी है वहीं पे। कुछ पहले हाथी इसी रास्ता में उधर जंगल तरफ घुसा था, और यही वाला हाथी रोड में थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, गिर गया था। एक तो आंध्रा गाड़ी में टक्कर लगा था, इसका दांत थोड़ा दांत। दे नारायण कट्टक दे दे बाबा दे। उन्नीस